डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे इनसे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इससे पहले कई सारे पार्ट बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चन का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए है कि निम्न में से कौन सा फ्रूट भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। विच फ्रूट इज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला फल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास केला, आम, पपीता और सेब, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मैंगो है, आम है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला जो फल है भारत में वो कौन सा है, मैंगो है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच फ्रूट इज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादकता, प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा, उत्पादकता पूछ रहा है किस फल की। उत्पादकता क्या होता है सर, उत्पादकता बोले तो प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा या फिर प्रति नाली जमीन पे, पर हेक्टेयर जमीन पे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जिस फसल, जिस फ्रूट की है, वो फ्रूट है आपका ऑप्शन नंबर सी पपाया, यानी कि पपीता। पपीते की जो प्रोडक्टिविटी है भारत में सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वो मैंगो की है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भारत में अमरूद वो उसकी है, किसकी, पपीते की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वेजिटेबल इज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। यहाँ पे देखना वो पूछा है क्या, हमें पूछा है सब्जी। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी सब्जी उगाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं पटेटो यानी कि आलू, अनियन यानी कि प्याज, टमाटर या फिर बैंगन। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी सब्जी उगाई जाती है भारत में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलू भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। वैसे इसका प्रोडक्टिविटी का भी पूछ सकता है कि कौन सी सब्जी भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस सब्जी की है भारत में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस सब्जी की है। तो ऑप्शन आपके पास पोटैटो, ऑनियन, टमाटो या फिर कुछ और। तो आपसे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैपिको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन से पहले ये टेबल देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे देखो जो रेड रेड करा हुआ है, देखो ये रेड, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में जो फल उगाया जाता है वो कौन सा है, वो है मैंगो, आम, ठीक है। इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा एरिया में आम उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करो, प्रोडक्शन की बात करो, सबसे ज़्यादा भारत में क्या उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन किसका होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, किस फल का होता है, ये होता है केले का। केले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा एरिया पे आम बोया जाता है। और प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पपीते की होती है भारत में। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादकता पर हेक्टेयर पे सबसे ज़्यादा क्या उगता है, पपीता उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ रेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, भारत में जो उद्यान है, उद्यान वो है, हॉर्टिकल्चर में जो विकास दर है वो कितनी है। आपके ऑप्शन 3.7, 4.8, 3.5 या 6.4%। आपका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो हॉर्टिकल्चर का जो ग्रोथ रेट होता है वो है 3.7%। जब भी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है तो ग्रोथ रेट हमेशा पिछले लास्ट बार जो कैलकुलेशन होती है, जो जनगणना होती है, उसके हिसाब से जो डेटा आता है उसके हिसाब से, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है ग्रोथ रेट 3.7% ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट ऑफ फ्रूट, भारत में जो फलों का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 3.7, 4.8, 3.5, 16.4। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, फलों का जो ग्रोथ रेट है वो है 4.8%। और अगर हॉर्टिकल्चर में, जाहिर सी बात है हॉर्टिकल्चर में वो जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, जो है फ्रूट्स हो गए, मसाले हो गए, इन सभी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर का जो ग्रोथ रेट है भारत में वो कितना है, 3.7%, और फलों का जो ग्रोथ रेट है वो है 4.8%, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट
भारत में आंवले के उत्पादन में सब प्रथम स्थान किसका है? भारत में उत्पादन नहीं, प्रोडक्टिविटी पूछ रहे हैं। भारत में आंवले की उत्पादकता में यानी कि पर यूनिट हेक्टेयर में या पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा आंवला किस प्रदेश में होता है? भारत में एरिया नहीं पूछ रहा, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, उत्पादकता पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता भारत में आंवले के क्षेत्र में वो किसकी है? वो क्या है? तमिलनाडु की। TN का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एरिया और उत्पादन के क्षेत्र में बोले, प्रोडक्शन और एरिया के क्षेत्र में बोले तो वो UP है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पूछा हुआ है यानी पर यूनिट एरिया के हिसाब से पूछा है तो क्या होगा? तमिलनाडु होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पपीते के उत्पादन में, उत्पादकता नहीं पूछ रहा, प्रोडक्शन में पपीते के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान भारत में किस प्रदेश का है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पपीते के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AP यानी कि आंध्र प्रदेश का। भारत सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा पपीता जिस स्टेट में होता है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धनिए के उत्पादन में सबसे ज़्यादा धनिया भारत के किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। धनिया, कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं। तो आपके जो ऑप्शन है ये आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर जो है मध्य प्रदेश है। भारत जो है धनिए के उत्पादन में सबसे टॉप में है आज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से कि विच फ्रूट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस फल में होती है? आपके पास अखरोट, केला, खजूर और बादाम, बताओ इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो आप, तो ये पता हो गई होगा आपको, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे पहले होती है फैट में, उसके बाद होती है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो आपको पता है कि अखरोट और जो बादाम होते हैं वो फैट के, और फैट के अच्छे सोर्स होते हैं, यानी इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा कम एनर्जी होती है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर वो है अखरोट, वॉलनट, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फैट भी होता है, और एक ग्राम जो फैट होता है उसमें एनर्जी करीब करीब 9.4 किलो कैलोरी होती है, और एक ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें जो एनर्जी होती है वो है 4 किलो कैलोरी, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं फैट में ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि स्टडी ऑफ ग्रेप्स कल्टिवेशन, अंगूर की खेती का अध्ययन, यानी अंगूर की खेती का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओनियोलॉजी और विटिकल्चर। देखो ऑफकोर्स हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, तो हॉर्टिकल्चर सभी फलों के अध्ययन को बोलते हैं, तो इसमें सिर्फ अंगूर को नहीं बोलते तो ये तो नहीं हो सकता। पोमोलॉजी सभी फलों के अध्ययन को बोलते हैं, उसमें अंगूर भी आता है तो ये भी नहीं हो सकता। ओनियोलॉजी होता है, ओनियोलॉजी बोलते हैं जो अंगूर से जो वाइन बनती है, जो दारू बनती है, उससे जो प्रोसेसिंग होती है, यानी अंगूर से दारू बनाने की जो अध्ययन होता है उसे ओनियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जो विटिकल्चर है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? अंगूर की खेती का अध्ययन विटिकल्चर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कि नेशनल ट्री, भारत में राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? इनमें से आपके ऑप्शन हैं, और ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फाइकस बेंगलेसिस का करेक्ट आंसर है, जो बरगद होता है, इसका बरगद का साइंटिफिक नेम है, ये बॉटनिकल नेम है बरगद, ये जो है भारत का जो है राष्ट्रीय जो है वृक्ष है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है ये भारत का धार्मिक वृक्ष कहलाता है, रिलीजियस ट्री कहलाता है, ये जो है उसका बॉटनिकल नेम है, किसका? पीपल का बॉटनिकल नेम है, पीपल का जो पेड़ होता है उसका बॉटनिकल नेम है। आपने देखा होगा ना कि शनिवार को लोग पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, तो इसलिए जलाता है क्योंकि वो भारत का रिलीजियस ट्री है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस रिगोसिया, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा नेशनल ट्री, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।